आज सब लोग आए हैं पीसी। मेन्यू में क्या था पीसी आए हो आज? मेन्यू में था लाइक का पेपर था एफएआर 2 का और कुछ भी नहीं दिया कि मतलब ना इन्होंने कुछ हमें सर्व किया ना मतलब ना कोई जूसिंग वगैरह ना कोई खाना मतलब हल्का फुल्का तो करना चाहिए था कैब को ये अच्छा नहीं किया कैब ने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग आए हैं पीसी और पीसी हम लोग खाना खाने नहीं आए। एक्चुअली लोग यहाँ हाईटी के लिए आते हैं, लंच के लिए आते हैं, डिनर के लिए आते हैं और हम सीए स्टूडेंट्स आए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर देने। कैसी फीलिंग है तुम्हारी, मतलब कैसा लगा कि तुम यहाँ आए और आगे तुमसे पेपर लिया गया? बहुत अच्छी फीलिंग है वैसे, बल्कि अच्छी नहीं है कहना ये चाह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही क्या कहना है कि मतलब अच्छा नहीं किया है कैब ने। हाँ यार, मतलब फाइव स्टार होटल बुक करवाया है तो बंदा कुछ तो खाने पीने के लिए कोई बंदोबस्त कर देता है। एक पानी की बोतल रखी हुई थी बस, दैट्स नॉट फेयर आई कैब। आप इस पर क्या कहोगे? इस पे ये स्टूडेंट्स बिजनेस लॉ के हैं जो अपनी आखिरी रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि एफएआर 2 के बाद बिजनेस लॉ का पेपर होता है इवनिंग में। तो अभी कुछ लोग जो पेपर दे चुके हैं एफएआर 2 का वो तो लोग जा रहे हैं और ये कैसे हो सकता है कि सीए स्टूडेंट्स बाद में, सीए स्टूडेंट्स क्या मतलब हर स्टूडेंट ही पेपर के बाद डिस्कशन ज़रूर करनी होती है। अभी यहाँ पे खूब गर्मा गर्म डिस्कशन चल रही थी हाल से बाहर निकल के कि आपने क्या किया, तेरा कितना हुआ, पास होगा कि नहीं, क्या सीन है, यही सवाल होते हैं हम सीए स्टूडेंट्स के एक दूसरे से। बिजनेस लॉ का पेपर है सही तो पहले आ गए हैं, एफ ए आर 2 का भी दिया है। बेस्ट ऑफ लक। पेपर कैसा रहा? कौन सी डिश अच्छी लगी तुम्हें मेन्यू में? पीसी आए हो आज? आईएस 8। और ये बुक में हाथ में गया? बुक साथ लेके गए तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मतलब खाने आए हो, बुक्स क्यों ले आए हो? खाने आए थे। अच्छा यार, पेपर कैसा हुआ उमर? यार अच्छा हो गया, नॉर्मल हुआ, दुआ करो कि पास हो जाए। बाकी मेन्यू में, मेन्यू में क्या था पीसी आए हो आज? मेन्यू में था लाइक का पेपर था एफएआर 2 का और कुछ भी नहीं दिया, पानी था वो। आपके मेन्यू में क्या था? मेन्यू में लीजिस थे, लीजिस था, मेन्यू में 37 था, आपको डिश कौन सी अच्छी लगी? मुझे आज जो चीज़ अच्छी लगी वो I-9 अच्छा लगा था और कंसोलिडेशन। मुझे कंसोलिडेशन डिश बहुत अच्छी लगी थी, बहुत टेस्टी थी, जो लीज थी उसमें मिर्ची थोड़ी कम थी। हाँ मिर्ची कम थी थोड़ी सी, मतलब लेकिन मजा नहीं आया लीज करने में यार। कौन सा स्पाइसी टैक्स था? हां टैक्स स्पाइसी थे, लीज अच्छी लगी, लीज यार लीज अच्छी लगी, लीज था स्पाइसी था। हम पीसी की डिशेस करते हैं। पीसी की डिशेस में क्या पसंद है आपको? ये तो कंसोलिडेशन चली गई है, कोई डिफरेंस कंसोलिडेशन IS-37। ये कौन सी डिशेस हैं यार? ये ऐसी डिशेस हैं अकाउंटेंट समझ सकते हैं, ये फारस जो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं उनके समझ आते हैं, बीकॉम वाले नहीं समझ सकते। और तुम्हें कौन सी डिशेस लगी? मुझे लीजीज। तो क्या मतलब मजेदार थी? नमक मिर्च बराबर था? चाय चूहे पिलाई इन्होंने? चाय चूहे बताओ बताओ बात तो सुनो। ये मेरे क्लास फेलो थे, इनका पेपर आई थिंक ठीक नहीं हुआ था, कैमरे के सामने अपने जज्बात का इजहार नहीं करना चाह रहे थे ना, तो मेरा पेपर अच्छा हो गया था वैल, इसलिए मैं फिल्मिंग कर रहा था पेपर के बाद, वरना आई कैप ऐसा पेपर बनाता है कि बिल्कुल भी बात करने की हिम्मत नहीं होती पेपर देने के बाद, बहुत मुश्किल है। खुदा हाफिज़ दोस्तों, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, दुआ करना पेपर पास हो जाए, अल्लाह करे हमारा भी हो जाए खाने के बगैर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, दो हफ्ते बाद सेशन शुरू होगा। बेचारा फकीरों की तरह मांग रहा है।
पर्ल कॉन्टिनेंटल से तो सब अलविदा कह के चले गए थे। वेल, हम बरकत मार्केट में फिर मिल गए और हमें याद आया कि हमने नाश्ता किया, फिर हमने चिकन टिक्का तवा मेरी चॉइस पे सब ने खाया, बहुत मज़ा आया। इतफाकन हम बरकत मार्केट में सब लोग मिल गए, चिकन टिक्का दवा खाया, इट वॉज अमेजिंग। कैसा रहा बताओ, और एग्जाम्स के बाद कैसा फील कर रहे हो ये बताओ? रिलैक्स। आप? आई फील गुड, मतलब कि एक बहुत बड़ा बोझ कर रहा है। चिंता नहीं होती रिजल्ट की? रिजल्ट की चिंता तो है, वो चिंता ही चिंता चिंता हो गया। लेकिन अब वो ठीक है। आप कैसा फील कर रहे हैं? आई एम एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर व्हाट रिजल्ट, एक्साइटेड फॉर हैप्पीनेस, फॉर फ्रीनेस जो आफ्टर पेपर के बाद होती है। एग्जैक्टली। और आप क्या कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अच्छा फील कर रहा हूं, मुझे पेपर खत्म हो गए, अल्लाह का शुक्र है, जान छूट गई। मैं जवान बंदा हूं, मुझे बुजुर्ग बना दिया।